गैस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि जो अदनान 07 को, जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों उसके साथ मारपीट हुई थी, फिर ऐसे में आखिरकार उसकी वजह क्या क्या थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो परफेक्ट वजह बताने वाला हूँ जो कि अभी जो इन दिनों निकल के आई है, वो क्या वो सही वजह है या फिर गलत है। और वो उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे मिस्टर फेदू की जो टिकटॉक आईडी है उससे रिलेटेड और मिस्टर फेदू से रिलेटेड एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। उनकी तरफ से एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो वो मिस्टर फेदू क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अदनान 07 के साथ क्यों मारपीट की गई, ये सब जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए कि मेरा नाम है जय, आप देख लो टेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जानते हैं कुछ हटके। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक और छोटी सी प्लीज़ यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मतलब आगे की वीडियो के अंदर मैं जो मिस्टर फिल से रिलेटेड और उसके अलावा यहाँ पे मैं जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहेगा यूट्यूब टिप्स की वीडियोज बना कर लेकर। यहाँ पे मैं आपको इतनी मतलब गजब वाले यूट्यूब टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो फिर ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो मतलब आपका चैनल वो जल्दी से ग्रो हो जाए, क्योंकि मैं आपको जो टिप्स बताने वाला, अगर आप उनको फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आई एम श्योर कि आपका यूट्यूब चैनल जल्दी ग्रो करेगा। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो किया, मैं काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहा था लेकिन उसमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन जो मैंने किया उसके बाद ग्रो किया। तो ये सब मैंने कैसे किया जानना चाहते फिर इस वीडियो को, मतलब जो आगे वाली वीडियो है वो जरूर देखें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे हम जो हमारे मेन वीडियो को शुरू करते हैं कि अदनान 07 के साथ मारपीट क्यों की गई। तो गाइस, यहाँ पे मतलब अदनान 07 का मतलब नॉर्मली आपको पता है कि मतलब वो बाइक पे जा रहे थे, जो सद्दू थे और अदनान थे, तो ऐसे मतलब वो पब्लिक में जा रहे थे, मतलब काफ़ी सारे वहाँ पे लोग थे, तो यहाँ पे मतलब अदनान को रोका गया। तो अदनान 07 ने सोचा कि शायद ये फैन होंगे, तो उस वजह से वो वहाँ पे रुक भी गए। लेकिन यहाँ पे सद्दू के साथ मारपीट करने के लिए उनको थप्पड़े मारने लग गए लोग, उसके अलावा अदनान 07 के साथ भी मारपीट की गई। तो यहाँ पे मतलब एक अभी एक वीडियो जो वायरल हो रही है, उस वीडियो के अंदर वो पर्सन क्या बता रहा है कि मतलब अदनान 07 ने चोरी की थी, इस वजह से मारा जा रहा है। फिर आपको क्या लगता है कि मतलब वो इतने ज़्यादा फेमस पर्सन है, इतनी फैन फॉलोइंग, तो मतलब वो इस तरह से पब्लिक प्लेस में चोरी करेंगे? मतलब उनकी माना कि मानते हैं कि मतलब टीम 07 के टीम मेंबर्स की आईडी बैन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि मतलब उनकी इतने बुरे आए होंगे दिन आए होंगे कि मतलब वो चोरी करेंगे। मतलब आपको इतना पता होगा, कोई भी अगर पर्सन फेमस होता है वो कि मतलब ऐसी हरकत करेगा कि पब्लिक प्लेस में जाके चोरी करेगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि अदनान 07 के साथ ये चोरी की वजह से मारपीट की होगी? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताना, या फिर हैटर्स की वजह से वो भी हमें आप जरूर बताना। तो यहाँ पे मतलब अभी परफेक्ट रीज़न क्या है कि अदनान 07 के साथ क्यों मारपीट की गई, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे मतलब अदनान 07 की तरफ से मतलब नॉर्मली इतना बताया गया कि मतलब यहाँ पे उनको गले के पास में मारा गया था, वो थोड़ी बहुत चोट है वो सिर पे लगी थी। तो यहाँ पे परफेक्ट रीज़न अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे मतलब जो दूसरी बात ये कि मिस्टर फेदू की टिकटॉक आईडी उनको कब तक वापस मिल जाएगी? तो गाइस, यहाँ पे मतलब आपको पता कि मिस्टर फेदू की टिकटॉक आईडी है वो अभी तक उनके पास नहीं आई है, लेकिन अभी प्रोसेस इसका चल रहा है। तो अभी तक इनकी टिकटॉक आईडी कब तक वापस आ जाएगी वो मिस्टर फेदू को भी नहीं पता, लेकिन इससे रिलेटेड जो से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं वीडियो आपको सबसे पहले बनाकर बता दूंगा। तो यहाँ पे दूसरी जो एक और न्यूज़ है वो इसकी मिस्टर फेदू की छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो गाइस, यहाँ पे हम जैसा कि आपको पता है मिस्टर फेदू अभी 2 दिन पहले लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और वहाँ पे मतलब उन्होंने ये बताया था कि मतलब वो यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया कि वो यूट्यूब चैनल किस तरीके का होने वाला है, जानना चाहते हो फिर आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि मतलब आपने जिस तरह से उनको टिकटॉक पे लव दिया था, प्यार किया था, ठीक उसी तरह से आप यूट्यूब पे भी उनको इतना ही सपोर्ट करेंगे। तो देखते हैं यूट्यूब चैनल कब तक शुरू होने वाला है और किस तरह का कंटेंट आएगा, ये सब जानना चाहते हो तो ये वीडियो बना दीजिए। तो फिर अब मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार, मैं यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड बहुत ही गजब की न्यूज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और आपको टीम 07 से रिलेटेड भी वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।